हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल। फ्रेंड्स, यही क्लास रे हमें सेकेंड वर्ल्ड वार रु 2014 मसीह 2021 मसीह बीईडी एग्जाम आसीबा समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। आपण जदि यार बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन करा देखिना आम चैनल हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे एवं प्रीवियस ईयर समस्त क्वेश्चन को बीईडी एग्जाम डिस्कशन करा देखिना आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। तेणु आरंभ करिबा 2014 मसीह 2021 मसीह मध्ये आसीथिबा समस्त सेकेंड वर्ल्ड वार क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। 2014 मसीह 2015 मसीह सेकेंड वर्ल्ड वार क्वेश्चन आसी नथिला। तेणु यह हूँ 2016 मसीह ह्विच वार वाज कॉल्ड द ड्रेस रिहर्सल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार। कौ वार को कहुए ड्रेस रिहर्सल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार कहुए क्या कहुए इंग्लिश सिविल वार को कहुए द इंग्लिश सिविल वार को कहुए ड्रेस रिहर्सल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एशिया फॉर द एशियाटिक्स वाज ए स्लोगन एडवोकेटेड बाय व्हिच कंट्री ड्यूरिंग द पैसिफिक वार 1941-1942 अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार समय यह स्लोगन किए को कंट्री देता एशिया फॉर एशियाटिक्स यह स्लोगन किए देता यह स्लोगन देता जापान जापान द्वारा दि जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वर्ल्ड वार सेकेंड बिगेन व्हेन जर्मनी इनवेडेड अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध जितेबले स्टार्ट है जर्मनी क्या आक्रमण करिवारु द्वितीय विश्वयुद्ध स्टार्ट है क्या आक्रमण करिवारु पोलैंड को आक्रमण करिवारु कौन है द्वितीय विश्वयुद्ध स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द जापानीज फोर्सेस अटैक द पर्ल हार्बर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑन अर्थात कौन है जापान फोर्सेस क्या आक्रमण करितला अमेरिकार पर्ल हार्बर को आक्रमण करितला केबे आक्रमण करितला 7 डिसेंबर 1941 मसीह आक्रमण करितला एवं ताहा द्वारा कौन है यूएसए आसीथिला जॉइन करितला द्वितीय विश्वयुद्ध रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड द मानहट्टन प्रोजेक्ट व्हिच वाज यूएस गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट एड अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध समय द्वितीय विश्वयुद्ध समय यह प्रोजेक्ट यूएस रही महत्तन प्रोजेक्ट यार यूएसए द्वारा कराइला डेवलप द फास्ट एटॉमिक बम न्यूक्लियर जो ओपन न्यूक्लियर बम जो 6 अगस्त और 9 अगस्त जो जापान ठारे आक्रमण कर यूएस ता द्वारा करा महत्तन प्रोजेक्ट द्वारा करा करा प्रथम एटॉमिक बम अटे डेवलप द एटॉमिक बम न्यूक्लियर वेपन्स यार सठिक आंसर हे प्रोजेक्ट करा करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट वाज द कंडेमेंस ऑफ जर्मनी इन्वेजन ऑफ द यूएसएसआर इन द ईयर 1941 अर्थात जर्मनी यूएसएसआर को आक्रमण कर यह को कौन कह 1941 आक्रमण कर 1941 मसीह थंडा हेबा द्वारा कौन होता जर्मनी हारी जाता से ही आक्रमण कौन कहुए ऑपरेशन बारबारोसा कहुए ऑपरेशन बारबारोसा जर्मनी यूएसएसआर को जो आक्रमण कर 1941 मसीह ऑपरेशन बारबारोसा कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स इज कंसीडर एज द फाइनल इयर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन इट केम इनटू एंड अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध केवे शेष होता 1945 मसीह यार सठिक आंसर 1945 मसीह शेष होता और स्टार्ट केवे 1939 मसीह स्टार्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच पैक्ट नोन एज द रिबेंट्रो मोलोट्रो पैक्ट को पैक्ट को कहुए रिबेंट्रो मोलोट्रो पैक्ट क्या कहुए जर्मन सोवियत पैक्ट को रिबेंट्रो मोलोट्रो पैक्ट को कौन कहुए जर्मन सोवियत पैक्ट कहुए यहाँ हिटलर स्टालिन पैक्ट कहुए यह द्वारा कौन कहुए यह द्वारा कहुए कि जर्मनी और रूसिया मध्य कौन से आक्रमण करना कहुला किंतु जो ऑपरेशन बारबारोसा द्वारा कराइला ता तेणु यार सठिक आंसर हे जर्मन सोवियत पैक्ट कहुए रिबेंट्रो मोलोट्रो पैक्ट को हिटलर स्टालिन पैक्ट कहुए यह केवे कर 1939 मसीह 1939 मसीह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच ओर एमंग द फॉलोइंग सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार केबे स्टार्ट होता 1939 मसीह ऑप्शन रे नहीं किंतु यार सटिक आंसर हम 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध स्टार्ट होता यह हूँ 2019 मसीह क्वेश्चन अटे। नेक्स्ट देखा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार यह 2019 मसीह क्वेश्चन आसाला जितेबले द्वितीय विश्वयुद्ध थिला से ही समय ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री किए थे विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइन द मुनिच पैक्ट विथ हिटलर इन 1938 मुनिच पैक्ट 1938 कौ देश साइन कर फ्रांस कर 2019 मसीह क्वेश्चन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा किसी स्टेटमेंट दि जाए सेकेंड वाला विषय एवं कौ स्टेटमेंट टी सठिक अटे जर्मन अटैक ऑन यूएसएसआर रिजल्टेड इन एंट्री इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात जर्मनी कौन करा यूएसएसआर को आक्रमण करता और यूएसएसआर युद्ध आसी सठिक स्टेटमेंट अटे। जापान अटैक ऑन यूएसएसआर जापान अटैक कर नाला तेणु यार सठिक आंसर सेकेंड टी रंग हो जापानीज ब्रह्मांडमेंट ऑफ पर्ल हार्बर लेट यूएस एंट्री इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात कौन कह कि जापान कौन कर बम फेंकी क्या यूएस यूएस को अमेरिका को तार पर्ल हार्बर टारे। यह सटिक स्टेटमेंट अटे। नेक्स्ट हूँ जर्मन ब्रह्मांडेड ऑफ पर्ल हार्बर जर्मनी कर नाला जापान कर तेणु यार सठिक आंसर कौन है फास्ट एवं थर्ड टी सठिक हे डी हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द सेकेंड वर्ल्ड वार इज नोन एज द ब्लोडिएस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट वार इन हिस्ट्री द फाइनल सॉल्यूशन इज अल्सो नोन एज अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार को कौन कहुए तार लास्ट को कौन कहुए कहुए होलोकॉस्ट कहुए फाइनल सॉल्यूशन को होलोकॉस्ट कहुए बा हिटलर अनेक गुड़े लोक मारी कौन कहुए होलोकॉस्ट कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दुईटी स्टेटमेंट दि जाएगी जर्मानी एयरफोर्स विषय को स्टेटमेंट टी सठिक अटे जर्मान एयरफोर्स वाज कल लुप्ड वेब ताक कौन कह जर्मानी एयरफोर्स को लुप्ड वेब कहुए एवं जर्मन एयरफोर्स वाज द बेस्ट फोर्स ऑफ इट्स काइंड बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अटे तेणु यार सठिक आंसर डी हेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यह 2020 मसीहार क्वेश्चन अटे 2020 मसीहार आसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दुईटी स्टेटमेंट दि जाए कौटा सठिक अटे द्वितीय विश्वयुद्ध अनुसार को स्टेटमेंट टी सठिक अटे यार सठिक आंसर हम बी हेब हिटलर ऑर्डर हेलोस्टिक अगेंस्ट द पोलैंड अर्थात कौन कर जर्मनी द्वारा पोलैंड को प्रथम आक्रमण कराद्वारा कौन है ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन युद्ध आसी जर्मनी को आक्रमण कर फ्रांस आक्रमण कर तेणु यार सठिक आंसर हम बी हेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट वेयर द बिचक्रिक टेक्टाइल्स एडप्टेड बाय जर्मनी ड्यूरींग द वर्ल्ड वार सेकेंड बिचक्रिक टेक्टाइल्स मैंने कौन अटे ताने हूँ जो जर्मनी द्वारा आक्रमण कर जो क्विकली आक्रमण कर एयरफोर्स द्वारा एवं टैंक द्वारा आक्रमण कराई कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यह हूँ 2021 मसीह क्वेश्चन आसी नेम द इवेंट व्हिच वाज बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज ऑफ कम्युनिज्म फासिज्म लिबरलिज्म रिब्रुक द आउटब्रुक आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड अर्थात जो द्वितीय विश्वयुद्ध होता सेकेंड वर्ल्ड वार होता ता पूर्व कौन होता ता पूर्व कौन होता स्पानिश सिविल वार होता है यह के 1936 रु 39 मध्य 1937 मध्य होता यह स्पानिश सिविल वार एवं यहाँ यह स्पानिश सिविल वार तार कारण द्वितीय विश्वयुद्ध होबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट इज द नेपोलियनिक फॉली नेपोलियनिक फॉली माने कौन अटे यार सटिक आंसर हम डी हेब फाइटिंग ए वार विथ इन सोवियत यूनियन ड्यूरींग द
डिफिकल्ट विंटर कंडीशन अर्थात जो विंटर कंडीशन समय रे जो ऑपरेशन बारबार ओसा होता ताकि ही कहुए नेपोलियनिक कॉलिक अर्थात रूसिया माने से कौन कर लड़ी पारि नथिले ए थंडा पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द एम ऑफ द आंटी कमिटमेंट पैक्ट वाज आंटी कमिटमेंट पैक्ट रो कौन थिला तहार एम कौन थिला यह 2021 मसीहार आसीला तहार एम कौन थिला कि सारा देश रे कौन करा जिवो कम्युनिस्ट पार्टी रहिबो सेही बोली करा जेतला एथिरे ए पैक्ट रे तेणु यार सटिक आंसर कौन हेबो ए हेबो यार सटिक आंसर लिक्विडेड वर्ल्ड कम्युनिज्म एंड पुश फॉर इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन इन वर्ल्ड अर्थात वर्ल्ड रे कौन रहिबो कम्युनिज्म केवल रहिबो या थिला तहार मेन एम थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डिड द सोहा रेस्टोरेशन आर्टिकुलेटेड बाय किटाइकी इन जापान बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तार माने कौन अटे सोहा रेस्टोरेशन माने कौन अटे स्टेट को कौन करिबो स्टेट सोशलिज्म एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिलिटरी डिक्टेटरशिप यार सटिक आंसर ए हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पोस्ट टेम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 डिसाइडेड दैट एथेरे कौन डिसाइड करा जितला पोस्ट टेम कॉन्फ्रेंस 1945 रे कौन करा जितला ए कमिटी ऑफ द थ्री बिग पावर्स को थ्री बिग पावर्स जो एलएच पावर्स वुड बी सेट अप फॉर मिलिटरी कंट्रोल ऑफ जर्मनी मिलिटरी कंट्रोल करिवे तीनोटी एलएच पावर से माने जर्मनी ऊपर तांकर अधिकार रखिवे ताथिला पोस्ट डैम कन्फरेन्स 1945 कहीं जर्मानी हारा पर यह कर 1945 मसीह एलएच पावर मैंने करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच कंट्री एंटर ए नॉन एग्रेसन पैक्ट विथ जर्मानी इन 1939 जर्मानी और क्या मध्य रही नॉन एग्रेसन पैक्ट 1939 मसीह यह रूसिया मध्य रूसिया और जर्मानी मध्य रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन हुई स्टार्टेड इन 1929 इज ट्रू ग्रेट डिप्रेशन के 1929 मसीह अनुसार को स्टेटमेंट सठिक अटे अनुसार को स्टेटमेंट सठिक अटे यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ कौटा हेबो यार सठिक आंसर यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ तेणु यह हूँ 23 टी क्वेश्चन आसी 2014 मसीह 2021 मसीह मध्य 2014 रु 2021 मसीह मध्य बीडी एग्जाम रहा हूँ समस्त क्वेश्चन जहाँ रिपीट क्वेश्चन आसी मुझे नहीं तेणु आपड़ जी चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करूँ और वीडियो को लाइक करना तेल लाइक करूँ अन्य समस्त क्लास आपड़ देखी ना आम चैनल प्लेलीस्ट को जाए देखिपारे तेणु थैंक यू।